हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टीचर यूट्यूब चैनल. माई सेल्फ बबली राजपूत. सो वी वर स्टार्टिंग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, एंड हमने वर्क के बारे में पढ़ लिया था. इन दिस वीडियो लेक्चर हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. एंड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर द सेम थिंग्स, सिर्फ डेफिनेशन वाइज थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं. बाकी जो भी यूनिट्स वर्क की हैं वही एनर्जी की होंगी. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है. वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा. तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वर्क एंड एनर्जी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन बींग्स की बात करते हो, ठीक, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो वर्क मैं कर पाऊंगी ना. कभी कभी मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, कभी फास्ट बोलने लगती हूँ, कभी स्लो. That just because of the energy, आप खुद भी अपनी बॉडी में फील करोगे कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही काम कर पाओगे. जैसे आप लिखते हो, बहुत सारा होमवर्क आपको दे दिया, तो उस राइटिंग में क्या हो रहा है, वो राइटिंग क्या हो गया, वर्क हो गया, राइट. एंड उस राइटिंग में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी की एनर्जी कंज्यूम हो रही है. अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ही ना हो, बॉडी में एनर्जी कैसे आती है, थ्रू न्यूट्रिशन, जो कि हम फूड से लेते हैं, राइट. सो वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, राइट. एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे कि मशीन्स की, जैसे कार. कार के केस में क्या हो गया, एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी फ्यूल हो गया. फ्यूल को हम एनर्जी कह देंगे इन केस ऑफ व्हीकल्स. कार हो गया, बाइक हो गया, या एरोप्लेन हो गया, एनी अदर व्हीकल, उस केस में एनर्जी क्या है, फ्यूल है, ठीक है. उस फ्यूल को हम यूज़ करेंगे, राइट. वो फ्यूल बर्न होगा, ठीक है. फ्यूल को कंज्यूम करके ही वो व्हीकल है वो चलेगी, और जो व्हीकल चल रही है उसको हमने क्या कह दिया, वर्क डन. सो एनर्जी एंड वर्क डन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है. एनर्जी की वजह से हम वर्क कर पाते हैं. अगर एनर्जी नहीं होती तो वर्क का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता. सो वी कैन कंक्लूड एनर्जी इक्वल टू वर्क. एनर्जी वर्क के बराबर होती है, ठीक है. एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमने पढ़ा था वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, राइट. अब यूनिट ऑफ एनर्जी पे आते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है. तो हमने दो टाइप की यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है, फिजिक्स में, एमकेएस एंड एसआई. एमकेएस में एनर्जी की यूनिट हो जाएगी या तो न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसमें आपको ये यूज़ करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, राइट. सो जैसी यूनिट वर्क की थी वैसी एनर्जी की है, सेम ही चीज़ें हैं, राइट. SI यूनिट क्या होगी, जूल होगी. वर्क की भी SI यूनिट जूल थी, सो एनर्जी भी क्या होगी, जूल ही होगी, राइट. SI यूनिट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितने टाइप्स की एनर्जी हो सकती हैं. सो फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी. ये दोनों आपके सिलेबस में है, इनको हम ब्रॉडली पढ़ेंगे. नेक्स्ट केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जीज, अच्छा मैं एक एक करके थोड़ा बता भी देती हूँ. काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, ये उन बॉडीज़ में होती हैं जो बॉडी मोशन कर रही होती है. जब भी बॉडी मूव कर रही होती है, जैसे मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी. मेरा जो माउथ है उसके थ्रू मैं बोल रही हूँ, तो मेरा माउथ है उसमें क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी. लेकिन मेरी पूरी बॉडी अगर रेस्ट में है तो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर लगती है, जब बॉडी रेस्ट में होती है. काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होती है, जब बॉडी मोशन में होती है, ठीक है. जैसे मैंने अपने हैंड्स मूव किए तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी. मेरी पूरी बॉडी रेस्ट में है तो हैंड्स में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पूरी बॉडी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. तो दोनों टाइप्स की एनर्जी एक ही साथ एक बॉडी में एग्जिस्ट करें. सो आई होप आपको समझ में आया है. नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी जैसे आपकी बैटरीज वगैरह होती है, जहाँ पे केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे केमिकल एनर्जी लगेगा, ठीक है. जैसे सेल्स होते हैं ना, टॉर्च वगैरह आप तो खैर नहीं यूज़ होती इतनी, पहले टॉर्च यूज़ करते थे उसमें बैटरीज वगैरह डाल देते, तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी यूज़ होती है. हीट एनर्जी, जैसे आपने कोई चीज़ बर्न की, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं खैर, ठीक है, कोल बर्न किया या आपने पेपर बर्न किया, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट एनर्जी होती है. लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी जैसे आपने मान लो कोल जलाया, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो वो लाइट एनर्जी होगी. नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी. जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये क्या हो गया, ये साउंड एनर्जी हो गई. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चीज़ें इलेक्ट्रिकली रन करती हैं, जैसे कि हीटर हो गया, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, आपका फैन हो गया या बल्ब हो गया, राइट. तो जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती वहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी. ये मेनली जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह होते हैं उन सब में यूज़ होती है, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है. आपको इतनी सारी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उनके बारे में ही पढ़ना है डिटेल में. एंड ये एनर्जीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट्स मूव इनटू द काइनेटिक एनर्जी.
काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल के कैपिटल ई से, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, या ई के, ई के को ऐसे लिखेंगे ई और इसके बेस में के होगा, ठीक है। सो इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, बेस में के है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हेनेवर अ बॉडी इज डूइंग मोशन इट हैज काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे लगेगी, जहाँ पे भी बॉडी मोशन कर रही होगी, जो भी चीज़ें मोशन है, मूवमेंट कर रही, जैसे मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मेरा माउथ है वो भी मूव कर रहा है, तो इन दोनों में क्या लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी लग रही है, ठीक है। मैंने मार्कर को इधर से इधर किया तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी लग गई, ठीक है। बाइसिकल है वो चला रहे हो तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी है, कार है वो चल रही है तो वहाँ भी काइनेटिक एनर्जी है, हॉर्स है वो क्या कर रहा है, वो भी रन कर रहा है, वहाँ भी काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी दिमाग में क्लियर रखना है कि जहाँ भी मोशन हो रहा है, बॉडी जहाँ भी मूवमेंट कर रही है, वहाँ पे कौन सी एनर्जी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी लगेगी, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ये हमारी एक डेफिनेशन होगी प्रॉपरली। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल राइटिंग, जैसे आप लिखते हो तो आपके हैंड्स की पोजीशन चेंज हो रही है, एंड चेंज इन पोजीशन क्या होता है, मोशन होता है, तो वहाँ मोशन हो रहा है वहाँ पे कौन सी एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, काइनेटिक एनर्जी। मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ हॉर्स, मूविंग बुलेट फ्रॉम अ गन, एक बुलेट है वो गन से मूव कर रही है, तो बुलेट यहाँ पे क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो बुलेट के पास होगी काइनेटिक एनर्जी, गन के पास नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट नोट मैंने लिखा इंपॉर्टेंट है, व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट। सो हमारे पास एक बॉडी मैंने ब्लैक कलर से बनाया, ये पॉइंट ए पे है, इसने मूव करना शुरू किया और ये आई थिंक लाइन टेढ़ी हो गई है, बी पे पहुँच गई है, ठीक है। सो क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो धीरे धीरे करके क्या करेगी, बॉडी ए टू बी पॉइंट जाएगी तो एक टाइम आएगा वो रुकेगी, ठीक है। बी पॉइंट उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, मान लो आप स्कूल से, मान लो ये आपका स्कूल है और आप ये आपका होम है, ठीक है। सो आप स्कूल से अगर होम जा रहे हो तो क्या करोगे, मोशन करोगे, तो जब आप मोशन कर रहे हो तब कौन सी एनर्जी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब आप घर पहुंच गए, वहां पे आपने रेस्ट किया, तो तब आपके पास कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट इट स्लोली लॉस्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी रेस्ट में जाने लगती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगती है। क्या कहने का मतलब है, मान लो इस वाले पॉइंट पे इसकी एनर्जी थी 7, और एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जूल्स में, 7 जूल्स, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आ गया, होम पर आ गया, होम पे आने से पहले इसकी एनर्जी वो घटेगी, 5 जूल बनेगी, फिर 4 जूल होगी, फिर 3 जूल, फिर 2 जूल, फिर 1 जूल, मतलब मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसे ही डिक्रीज हो, बट वो डिक्रीज होगी। फिर एक टाइम आएगा कि वो 0 जूल हो जाएगी, मतलब उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। 0 जूल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है बॉडी है वो रेस्ट में आ चुकी है, ठीक है। सो व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट इट्स स्लोली लॉस्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। एंड व्हेन बॉडी टोटली कम्स टू रेस्ट, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो गई, देन इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी में नहीं रहेगी, अब कौन सी एनर्जी आएगी बॉडी में, पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में कब आती है, जब बॉडी रेस्ट में होती है। सो दोनों को डिफ्रेंशिएट रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन होती है। इवन यही पूछ लेते हैं कि जब बॉडी मोशन कर रही होती है तो कौन सी एनर्जी लगती, तब काइनेटिक एनर्जी लगेगी, और जब बॉडी रेस्ट में आ जाती तब कौन सी एनर्जी होगी उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ध्यान रखना, बॉडी मोशन से धीरे धीरे करके रेस्ट में आएगी, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जा रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी घटेगी एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नोट इट डाउन, नाउ लेट्स डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस डेरिवेशन के बाद जो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा फॉर्मूला मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। एंड इससे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। सो डेरिवेशन हम सॉल्व करते हैं। हमने के सपोज किया है, बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप डेरिवेशन करो, अभी कर रहे हो 10th क्लास में, आगे करोगे, तो आपको ना ये सिनेरियो जो आप अज्यूम करते हो वो आपको लिखना ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप ये नहीं लिखते तो मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं,
राइट। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो एंड प्रैक्टिस करो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, जितने भी फिजिकल टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हैं, डेरिवेशन में आ रहे हैं, आपको वो सारे टर्म्स हैं इस तरीके से फ्रेम करना है कि वो सारे टर्म्स इसमें आ जाएँ, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, हो जाएगा, राइट। सो एक बॉडी है जो पॉइंट ए पे है, ठीक है, एंड उसका मास है वो एम है, राइट। फिर उस बॉडी ने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया, तो मूव करेगी तो उसके पास वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल या इनिशियल। सो आप बोलोगे इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, एंड इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे हमने वी से अज्यूम किया है, ध्यान रखना। आप बोलोगे मैम इनिशियल को तो यू से करते थे एंड फाइनल को वी से कर देते, तो वी यहाँ पे क्यों आ गया। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, उसमें सिंगल वी आ रहा है, जब भी सिंगल वेलोसिटी टर्म होता है तब हम वी ही कंसिडर करते हैं। जैसे आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था पी इज इक्वल्स टू एम वी, वहाँ एम यू क्यों नहीं हो गया था, क्योंकि एक सिंगल टर्म है वेलोसिटी का, तो हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कुछ भी हो सकता है, इनिशियल भी फाइनल भी, ठीक है। सो इतना कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। और इस केस में जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है ना, इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो कन्फ्यूजन नहीं रखनी कि यहाँ पे v क्यों हो गया, v का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ही है, एंड हमारे फॉर्मूले में सिर्फ एक ही वेलोसिटी टर्म है, इसलिए हमने v ले लिया, राइट। आप u भी ले लोगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, बट v लेके चलो क्योंकि ऑल ओवर एक्सेप्टेड है, ओके। सो राइट, सो वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, v। अभी जो बॉडी है मान लो पहले एयर में मूव कर रही थी, ठीक है, एयर से वो एंटर कर गई वाटर में, राइट। एयर से वाटर में एंटर कर गई। अब आप खुद ही सोचो कोई बॉडी है वो एयर में इजिली मूव करेगी या वाटर में, तो आप बोलोगे एयर में इजिली मूव करेगी। सो वाटर में जब वो बॉडी एंटर करी तो धीरे धीरे क्या होगा, उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, वाटर है उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, एंड इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को कम करेगी एंड वो रेस्ट पे आ जाएगी, राइट। तो इसीलिए फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी v, तो हमने ये दोनों पढ़ लिए थे, एंटर्स अ मीडियम m, ठीक है, एक मीडियम में एंटर कर रही है, हमने यहाँ पे वाटर मान लिया मीडियम, विच अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी का जो मोशन है वो क्या हो गया, अपोज हो गया, मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का जो मोशन है उसमें हिंड्रेंस पैदा हो रही है, बॉडी इज नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, ठीक है। तो बॉडी धीरे धीरे क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी, राइट। ऑल राइट, विच अपोजिज द मोशन ऑफ द बॉडी विद अ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ, मतलब इस पे नीचे से एक अपोजिंग फोर्स लग रही है जिसको हमने एफ मान लिया है, एज अ रिजल्ट ऑफ अपोजिंग फोर्स कॉजेज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब जब इस पे एक अपोजिंग फोर्स लगेगा तो धीरे धीरे जो बॉडी मूव करी इसका एक्सेलरेशन कम होगा, राइट। जैसे कार होती है, कार का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, कार क्या करती है, अगर स्टॉप होगी उस पर ब्रेक सप्लाई होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन पहले तो नेगेटिव बनता है, हमने पढ़ा था ना, अगर कार पे ब्रेक सप्लाई होती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। तो इस केस में भी सेम, ब्रेक्स का ही केस मान लो, ठीक है, सेम और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी। तो ध्यान रख, बॉडी है वो एक मीडियम में आई तो उस मीडियम ने एक अपोजिट फोर्स लगाया उस पर, अपोजिट फोर्स की वजह से क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया एंड उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, वो जीरो हो गई, एंड जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उस बॉडी ने वो एस कवर किया। सो आई होप आपको ये केस है वो समझ में आ गया है क्या केस है, राइट। अब हम इसमें पढ़ेंगे वर्क डन कितना लगा बॉडी पे, वर्क डन ऑन बॉडी कितना वर्क डन हुआ। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप समझना, अगर आपने नहीं समझा तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो वी नो एफ का फॉर्मूला हमारे पास होता है फिजिक्वल्स टू एम ए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फॉर दिस वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास, आपको पता होगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव राइट। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे सबकी। v यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होगा, इक्वल टू यू स्क्वायर, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी जिसका रिप्रेजेंटेशन v है, तो यहाँ पे हम रख देंगे v स्क्वायर प्लस टू। एक्सेलरेशन के टाइम ध्यान देना, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होगी, मैं आपको मिस्टेक्स आपकी गिनाती जाऊंगी। पहली गलती आप यहाँ पे करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप पॉजिटिव ही रख दोगे, मतलब as लिख दोगे, नहीं, एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे बताया था ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, और s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, एंड ये भी इधर शिफ्ट होगा,
राइट। तो शिफ्टिंग के दौरान ध्यान रखना, सेकंड गलती आप यहाँ कर सकते हो, साइन है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, वी के आगे पॉजिटिव को हम लिखते नहीं, पॉजिटिव साइन होता है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये अगर इधर शिफ्ट होगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जगह माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू, एंड अगर हम इसको इंटू करेंगे तो ये जगह माइनस टू ए एस, राइट। अब हमें यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल, सो एस क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा वी स्क्वायर के, आपको मैथ्स तो आती होगी इतनी, सो माइनस वी स्क्वायर लिख लिया मैंने, अपॉन में क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, टू और एस चाहिए, ठीक है, टू और एस चाहिए, माइनस के साथ आएंगे टू और एस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू रह जाएगी, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे शिफ्टिंग के दौरान ध्यान देना, वी स्क्वायर है यहाँ पे, और हमें क्या चाहिए, टू चाहिए और एस चाहिए, तो दोनों नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, एंड एक्सेलरेशन आपका इधर रह जाएगा, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा, एंड एक्सेलरेशन की आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन टू एस, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है, इसको आप टू मान लो, ठीक है। अब हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, सो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ इसको, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस वैल्यू ऑफ ए इन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें हम एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू एक्सेलरेशन कितना आ गया था, वी स्क्वायर अपॉन टू एस, ठीक है। अब आप लिखो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कॉमास लगा देना, ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन वन, ठीक है। आपको ये जो फोर्स की वैल्यू मिली है इक्वेशन वन में रखनी है, इक्वेशन वन क्या है आपकी, W इज इक्वल्स टू एफ एस, ठीक है, ध्यान से रखना, W इज इक्वल्स टू एफ कितना आपका, एम इंटू वी स्क्वायर बाई टू एस इंटू एस, ठीक है। अब ध्यान देना सॉल्व करते टाइम, इस एस से ये वाला एस कट जाएगा, सो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, एम वी स्क्वायर बाई टू, या इसको हम और अच्छे से लिखें, वर्क डन इज हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क डन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी नो दैट वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, एंड एनर्जी हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो काइनेटिक एनर्जी हमारे कितनी आ जाएगी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज वेल, बिकॉज इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होंगे, राइट। सो मिस्टेक्स ध्यान रखना आप कहाँ पे करोगे, एक तो एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लेना है, शिफ्टिंग के दौरान ध्यान रखना वैल्यूज़ कैसे चेंज होंगी, ठीक है, कौन किसके डिनोमिनेटर में आएगा, राइट, और किस तरीके से आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको किस में रखोगे, आप फोर्स में ही रखोगे क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है उसी में एक्सेलरेशन होता है, और इससे आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, एंड इस फोर्स की वैल्यू को आप वर्क डन वाले फॉर्मूले में रखोगे, एंड यहाँ पे करके मत छोड़ देना, कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, गलतियाँ याद रखो कहाँ कहाँ करोगे, सो यहाँ पे करके नहीं छोड़ना है, वर्क डन निकला ही, काइनेटिक एनर्जी नहीं निकली, वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम वी स्क्वायर है, वो आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप इसमें स्टार मार्क जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो नोटेड डाउन। फिर हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं वो लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड ये एम वी स्क्वायर का कुछ रिलेशन होता है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, जो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि हाफ एम वी स्क्वायर आया था, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, सो लेट्स सी। सो हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था, काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी है, m means mass of the body and velocity v का representation है, right? So अगर आप इस formula से देखो तो अगर हम proportionality relation निकालें तो kinetic energy directly proportional है mass के, मैंने आपको proportional का बताया था मतलब क्या होता है और किस तरीके से आपको relation establish करना है, relation वाले questions बनते हैं, important हैं। So kinetic energy क्या है, directly proportional है mass के, ठीक है, क्या मतलब इसका, जब ये जो sign लगता है ना proportionality sign, ठीक है, अगर मान लो मैं लिख रही हूँ a प्रपोर्शनल b, तो इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रपोर्शनल, अगर मैं लिखती हूँ a प्रपोर्शनल b इस तरीके से तो ये हो जाता है इनवर्सली प्रपोर्शनल, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली प्रपोर्शनल की, अगर आप देखो काइनेटिक एनर्जी एंड मास क्या है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल रिलेशन में है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल रिलेशन जब भी होता है तो दोनों की दोनों फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो इंक्रीज होती हैं, राइट। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी,
अगर एक फिजिकल क्वांटिटी रिड्यूस होगी तो दूसरी भी रिड्यूस होगी, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो मास ऑफ द बॉडी है वो बढ़ गया, मैंने बोला मास है वो हमने डबल कर दिया, ठीक है, किसी बॉडी का मास है वो डबल कर दिया, तो एम की जगह हम टू लिख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, टू के बराबर आ जाएगी, राइट। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। मान लो मास है उसको आपने हाफ कर दिया, ठीक है, ये दोनों किसका रिप्रेजेंटेशन है, मास, तो अगर आपने मास को हाफ कर दिया तो हम यहाँ पे हाफ लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो भी हाफ हो जाएगी ना, यहाँ पे डबल कर दिया था मास को तो एम की जगह हमने टू लिख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो भी डबल हो गई। एंड अगर आपने मास को हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो भी हाफ हो जाएगी। सो आई होप आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यही हम देखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे निकाला, हमने फॉर्मूले के थ्रू निकाला। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम वी कहाँ चला गया। देखो जब भी हम ये रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं ना प्रोपोर्शनैलिटी का, तो बाकी जितने भी टर्म्स होते हैं फॉर्मूला में उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट मतलब वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे हाफ है, हाफ कभी चेंज नहीं होगा, हाफ तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो हमने जब काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन इस्टेब्लिश किया तो वहाँ पे हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया, बाकी सारे टर्म्स होते हैं वो आप मान लो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हैवी बॉडी विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। हैवी बॉडी मतलब क्या है, एक बॉडी मान लो 5 kg की है और एक बॉडी का मास मान लो, या 5 हटा के मैं 100 kg लिख देती हूँ, और एक बॉडी का मास है 20 kg, तो आप इसमें बताओ कौन सी बॉडी भारी है। तो आप बोलोगे मैम 100 kg वाली है जो बॉडी, उसका मास ज़्यादा है तो वो क्या होगी, वो हैवी बॉडी होगी। वाइल 20 kg जिसका वजन है उसका मास क्या है, कम है, तो वो वाली बॉडी क्या होगी, हल्की होगी। तो 100 kg का मास ज़्यादा है, 20 kg का कम है, सो हैवी बॉडी विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। अगर आप एम की जगह 100 लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 100 बन जाएगी, एम की जगह आप 20 लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 100 केजी वाली बॉडी की, और जो बॉडी 20 केजी की है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यही कहने का मतलब है, हैवी बॉडी विल हैव, इंपॉर्टेंट लाइन है, हैवी बॉडी हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि उनका मास ज़्यादा होता है एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। व्हाइल लाइट वेट बॉडी विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ एग्जाम्पल मैंने जो आपको यहाँ पे समझाया था वही यहाँ पे लिखा है। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, हमने किसी बॉडी का मास डबल कर दिया, एम की जगह आप टू लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, ठीक है। इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल। एंड इफ द मास ऑफ द बॉडी गेट्स हाफ्ड, आपने मास को आधा कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज वी स्क्वायर के साथ रिलेशन है तो मैं इसको रब कर देती हूँ। सो सिंस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में दो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, कौन कौन सी, मास एंड वेलोसिटी, जिसमें से मास को हमने पढ़ लिया है, अब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के भी, राइट। जब हम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे तब मास को हम कॉन्स्टेंट मान लेंगे, ठीक है, राइट। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे गलती कहाँ होगी, गलती आप अपनी ध्यान रखना, आप यहाँ पे वी स्क्वायर को ध्यान नहीं दोगे, वी नहीं लिखा है, वी स्क्वायर है। मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को आप डबल कर दो, ठीक है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वी की जगह आपको टू रखना है, फिर इसका स्क्वायर भी करना है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी 4, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बढ़ेगी तब भी। देखो वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, बट रेट ऑफ इंक्रीमेंट अब और ज़्यादा बढ़ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही अगर आप वेलोसिटी को हाफ कर दोगे, मतलब कम कर दिया आपने वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, वो 1/4 हो जाएगी, राइट। ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर का केस है, सो ये गलती नहीं करनी कि स्क्वायर नहीं लगा के आ रहे, स्क्वायर लगा के आना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो यही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर है, राइट, ये हमारा फॉर्मूला है। सो बॉडी मूविंग विद हाई स्पीड, अब किसी बॉडी की स्पीड हाई है, मान लो कोई बॉडी है वो 100 m/s पे चल रही है और एक बॉडी है वो 20 m/s पे चल रही है, ठीक है।
तो अगर हमने वेलोसिटी की जगह हमने 100 रख दिया, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी इस केस में, दैट इज 10,000, ठीक है, 10,000 जूल्स बन जाएगी। और इस केस में कितनी बन जाएगी, 20 रखोगे वी की जगह, 20 का स्क्वायर करोगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 400 जूल्स। तो अगर कोई बॉडी हाई स्पीड में मूव कर रही है तो ऑफकोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी देन जो बॉडी है जिसकी स्पीड कम रही होगी। हमने कैलकुलेशन करके भी देख लिया, एग्जांपल से भी देख लिया, सब समझना है, ठीक है, कुछ रटनी नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना वी स्क्वायर है, वी नहीं है, राइट। एग्जांपल इस केस में भी ले लिया जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, अगर हमने उसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 4 times हो जाती है, एंड अगर हमने उसकी वेलोसिटी को हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है। सो हमें दो रिलेशन मिले हैं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, राइट। अब आप ऐसा अज्यूम करो कोई ऐसी बॉडी है जिसका मास भी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से चल रही है, तो ओवरऑल उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वही एक ऐसी बॉडी जिसका मास भी कम है और उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो उसकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं एंड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिस्टेक आप कहाँ करोगे, वी स्क्वायर में पक्का करके आओगे। सो रिमेंबर कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है आपको, राइट, इंपॉर्टेंट है, सो नोट इट डाउन। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। हमने जो अभी तक टॉपिक पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला डिराइव हुआ था एंड उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन पहले शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर वन, टू बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस, दो बॉडीज हैं, लेट्स से एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ठीक है, एंड इनके मास सेम है। मान लो ए बॉडी का मास अगर एम है तो बी बॉडी का मास भी एम ही है, ठीक है, सेम मास है। मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी एंड थ्री वी रिस्पेक्टिवली। मान लो अगर ए बॉडी है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 3V है, ठीक है। फाइंड रेशियो इन देयर काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी आप मान लो के ए मान लो, ठीक है, या मैं इस तरीके से लिख लूँ के ई ए, अब ठीक है, राइट, और इसकी काइनेटिक एनर्जी आप मान लो बी, ठीक है। बी यहाँ पे बेस में लिखा है क्योंकि बी बॉडी का रिप्रेजेंटेशन एंड ए बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। सो हमें इनका रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब आपको ये निकालना है के ई ए अपॉन के ई बी। अब देखो जो हमने अभी सॉल्व किया था ना, कंक्लूजन जो निकला था फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था, वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, या हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो मेरा के ई ए ए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला लगाऊंगी, दैट इज हाफ, मास तो दोनों में सेम है तो मैंने एम लिख दिया, एंड वेलोसिटी क्या है ए बॉडी की, दैट इज वी, तो वी लिख दूंगी एंड स्क्वायर होगा इसका, राइट। अब वैसे ही मुझे के ई बी बॉडी की हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हाफ, मास सेम है एम, लेकिन वेलोसिटी है वो 3V है, तो 3V ऊपर से इसका स्क्वायर लगेगा, राइट। सो ये हो जाएगा हमारे पास के ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी इक्वल्स टू हाफ एम, एंड इसका स्क्वायर आप करोगे तो ये जाएगा 9V स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लो अच्छे से तो ये जाएगा 9mv स्क्वायर और अपॉन 2, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आपको के ई ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी की वैल्यू पता है, आप इस फॉर्मूले में रखोगे आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। सो रख के देखते हैं, सबसे पहले के ई ए मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए रखेंगे, तो दैट विल बी, पहले मैं लिख लेती हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी। सो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से करना सॉल्व, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी इज 9/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये वही केस है, ठीक है। सो ये हो जाता है हमारे पास ए बी इंटू सी इंटू डी,
डीपर पहुंच जाता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सो ये वही केस है। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो वन का रिप्रेजेंटेशन है या ये वन एम बी स्क्वायर है, ये ए हो जाएगा, टू इज द बी, नाइन एम बी स्क्वायर इज द सी एंड दिस इज डी। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे एम वी स्क्वायर और ये डी ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज टू, और बी और सी का इंटू हो जाएगा, दैट इज टू इंटू नाइन एम वी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो मैं दोबारा बताती हूँ, ए क्या है, वन एम बी स्क्वायर, वन इंटू एम बी स्क्वायर, तो वो एम बी स्क्वायर ही होगा, तो ए इंटू डी हो जाएगा, दैट इज टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, टू इंटू एम वी स्क्वायर, एंड बी इंटू सी हो जाएगा, दैट इज टू, डिनोमिनेटर में आ जाएगा नाइन, तो था ही डिनोमिनेटर में नाइन एम वी स्क्वायर। अब एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कट जाएगा, राइट, एंड इस टू से इस ये वाला टू कट जाएगा, ये आ जाएगा वन बाई नाइन। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी का जो रेशियो है वो कितना है, 1:9। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट हमने जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी थी उस हिसाब से रखा, एंड यहाँ पे वी पे ध्यान देना, स्क्वायर है, एंड इस तरीके से हमने रेशियो का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट, घबराना नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ से बन जाते हैं, फिजिक्स डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट है, आप डिफिकल्ट खुद बनाते हो उसे। सो नोटेड डाउन, फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन कराती हूँ। नंबर टू वी हैव, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ बाइसिकल ऑफ मास 20 kg, एक बाइसिकल है जिसका मास है 20 kgs, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 m/s, एंड दे आर आस्किंग वर्क डन कितना हुआ है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, वर्क डन के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है एनर्जी और वर्क डन बाद में बराबर होते ही होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, एंड बाद में जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो वर्क डन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज वॉट, हाफ एम वी स्क्वायर, सो इट इज हाफ इंटू एम इज 20 इंटू वी स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। ठीक है, सो 1/2 इंटू 20 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100, सो ये 2 कट जाएगा इससे, और आंसर हमारा आ जाएगा 1000 जूल्स, राइट। बट यहाँ तक नहीं छोड़ना, आप यहाँ तक छोड़ोगे ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, पक्का कटते हैं मार्क्स। उन्होंने वर्क डन पूछा, तो आपको लिखना है कि यहाँ पे जो वर्क डन है आपका, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 1000 जूल, तो आपका जो वर्क डन आ जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1000 जूल्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। सो ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करके देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट डाउन में लो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी है जो सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी, उसको कंप्लीट करेंगे, एंड आपकी टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम पावर की तरफ बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।